बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं उन्होंने अम्बर लिस्ट के हवाले से कुछ कंट्रीज़ का पूछा है कि कौन से कंट्रीज़ अम्बर लिस्ट में हैं। स्विस के बारे में इन भाई ने पूछा है, इटली, यूएसए और इसके अलावा हॉलैंड के बारे में काफ़ी दोस्तों ने पूछा है। तो अम्बर लिस्ट के बारे में क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि अगर आप अम्बर लिस्ट से ट्रैवल करके आते हैं यूके में और आपको दो वैक्सीन लगे हुए हैं, दूसरी डोज को लगे हुए आपको 14 डेज गुजर चुके हैं, तो अगर आप अम्बर लिस्ट से ट्रैवल करके आते हैं तो आपको ना तो होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा और ना जो है आपको घर में क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं इस अम्बर लिस्ट में शामिल हैं, पाकिस्तान और इंडिया के अलावा। मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं दुबई और तुर्की के अलावा रेड लिस्ट में जो कंट्रीज़ हैं उनके अलावा, तो यूरोप तो ऑलमोस्ट जो है वो है इसमें। हॉलैंड, स्विस, इटली, यूएसए, यूक्राइन, ये सब कंट्रीज़ जो हैं अम्बर लिस्ट में शामिल हैं। और यहाँ पे आप वापसी पे जब आएंगे तो आपको क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा वियतनाम भी इस लिस्ट में शामिल है, थाईलैंड, स्वीडन, सऊदी अरबिया भी इस लिस्ट में शामिल है जो लोग सऊदी अरबिया जाना चाह रहे हैं, रोमानिया भी इस लिस्ट में शामिल है, पोलैंड में काफ़ी लोग जाते हैं, पुर्तगाल, नॉर्वे, मोरक्को, मलेशिया, ये सब कंट्रीज़ जो हैं ये अम्बर लिस्ट में शामिल है। लिथुआनिया, कुवैत, जापान, हंगरी और जर्मनी, इसके अलावा डेनमार्क, ये सब कंट्रीज़ जो हैं अम्बर लिस्ट में जो हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा भी एक लंबी लिस्ट है लेकिन जो मेन जो कंट्रीज़ थे वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अगर आपको कुछ किसी कंट्री का पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।